हे गाइस, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी कंट्री के देश को टारगेट करके नहीं बोल रहा, इन जनरल मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। गजब बेइज्जती है। बट आप न्यूज़ सुनोगे तो शायद आपको भी गुस्सा आएगा कि यार हमारे लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, क्यों अपना नाम, देश का नाम खराब करते हैं। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो जैसे कि आपने देखा इस पे ये न्यूज़ आ रही है कि सर्बियन ऑफिशियली वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया है इंडियंस के लिए इस जनवरी 2023 से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीजा ऑन अराइवल काफी लोगों को पता होगा, आप में से पता होगा, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, जो आपको जैसे जिस मर्जी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री का आपको वीजा चाहिए। अब कुछ कंट्री ने एग्जाम कर रखा है कि आपको वीजा नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो, हमारे देश में आ जाओ और एयरपोर्ट पे आपको ठप्पा लग जाएगा। तो ये काफ़ी फैसिलिटी अच्छी थी जिन लोगों को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, मेरे ऐसे लोग जिनको अलग अलग कंट्रीज घूमना है, क्योंकि वीज़ा लेना एक हैसल बड़ा भरा प्रोसेस है, बहुत पेपर वर्क लगता है, बहुत कन्विंसिंग लगती है, कवर लेटर लिख के देना पड़ता है, मोटिवेशन लेटर लिख के देना पड़ता है, फंड दिखाने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उस केस में यूरोप की कंट्री जो थी सर्बिया, मतलब है तो काफ़ी अच्छी कंट्री, तो उन्होंने बोल दिया था कि क्या नाम है, अभी इंडियंस को कुछ टाइम के लिए हम आपको अराइवल पे ही वीज़ा देंगे, तो आपको पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि काफ़ी कन्वीनियंट था। लेकिन हुआ ही क्यों, हमारे बंदे अब ठीक है यार, हर किसी को हमारे बंदे इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश श्रीलंका में बाहर जाने का भूत चढ़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक है, बेहतर बनाने का हक है, बनाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इलीगली चले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और फिर वापस आते नहीं। और ये यूरोपियन यूनियन की आज इस साल से काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई है कि जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, पॉलिसी सब कंट्री से इनफैक्ट स्ट्रिक्ट कर दिया है इलीगली इमिग्रेंट्स के, हर कंट्री परेशान है, क्या अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप के बड़े बड़े कंट्री हो, तो वो स्टॉप करना चाहते हैं। तो लोगों के लिए ये ईजी रूट था, सर्बिया पहुँचते थे फिर वहाँ से डोंकी लगा के दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में घुस जाते थे। डोंकी मतलब वो जो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ, डोंकी होता है इलीगली बाय फुट जंगल के रास्ते एजेंट के थ्रू आप जाते हो और दूसरी कंट्री में इलीगली सेटल हो जाते हो। हालांकि जितना इजी लगता है सुनने में, डोंकी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको एक्सट्रीम वेदर से गुजरते हुए जाना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ में जानवर मिल जाते हैं कभी कभी खतरनाक, ठीक है, पुलिस पकड़ लेती है उस देश की, वहाँ पकड़ के जेल में डालती है, चोरी चकारी होती है, लड़ाइयाँ होती है, बहुत रिस्की है, सक्सेस होने के चांसेस मात्र 1-2% ही है, बट फिर भी लोग रिस्क लेते हैं अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए। तो होता कुछ नहीं है, जो नुकसान होता है दूसरी बाकी जो कंट्री वाले जो जेन्युइन ट्रैवलर्स है और कंट्री का नाम खराब होता है, इसी चक्कर में जो है देश का पासपोर्ट इंडेक्स भी डाउन होता है। आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक है, लेकिन मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों के ऊपर है। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, देश का जो नाम बदनाम होता है, पासपोर्ट इंडेक्स गिरता है, फिर बाकी जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उन लोगों को वीज़ा मिलता नहीं है, तो ये सब करते हैं हरकतें यार, बहुत शर्मनाक हरकत है। तो जो भी मेरे वीडियो आप लोग भाई या बहन देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि होता क्या है, आप तो करते हैं लेकिन जो वहाँ उस कंट्री में रहने वाले गैर मुल्की हैं उन लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ के लोग फिर हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं कि अरे ये तो साले ऐसे ही आए होंगे, रेंगनेंगे हमारे मुल्क आगे, हमारा खाने आगे, मतलब एक टुच्ची सी नज़र से देखते हैं फिर हमें भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, ऐसा कुछ ना करें। मेरी बस आगे, मैं भागता हूँ, शिट। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।